ज्यादा उम्र की अभिनेत्रियों को बॉलीवुड में काम नहीं मिलता, इसलिए प्रियंका ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। यह बात सरासर गलत है। प्रियंका की उम्र कितनी हो गई थी जो उन्हें काम मिलना बंद हो गया? अभी वह सिर्फ 36 साल की थी। जब करीना को काम मिल सकता है तो प्रियंका तो उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी अभिनेत्री थी। प्रियंका की फिल्में अगर देखें तो उनकी हर फिल्म में उनका एक मुख्य किरदार रहा है, लेकिन करीना की कुछ फिल्मों को छोड़कर बाकी फिल्में ऐसी हैं कि अगर उनमें वो ना भी होती तो भी वह फिल्में उनके बिना चल जाती। प्रियंका चोपड़ा को क्वांटिको टीवी सीरीज से ऑफर आया था, इसलिए वो बॉलीवुड में कम काम करते हैं। बॉलीवुड में प्रियंका को एक फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपये मिलते थे, जो कि करीना, आलिया, कैटरीना की फीस से ज़्यादा थे। लेकिन क्वांटिको के एक एपिसोड से प्रियंका चोपड़ा को मिलते हैं 3 मिलियन डॉलर, लगभग 20 करोड़ रुपए। 2015 से 2018 के बीच क्वांटिको के कुल मिलाकर 3 सीजन में 57 एपिसोड है, जिसका मतलब यह हुआ कि प्रियंका चोपड़ा ने 171 मिलियन डॉलर या 1100 करोड़ रुपए सिर्फ 3 सालों में कमा लिए। किस खान कपूर या कुमार ने 3 सालों में इतना धन कमाया होगा? फोर्ब्स की लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा सबसे ज़्यादा कमाने वाले टीवी एक्ट्रेस की लिस्ट में 8वें स्थान पर है। फिल्म स्टार को छोड़िए, हम सबके दोस्तों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो भारत में अच्छी नौकरी करके अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन जब उन्हें बाहर जाने का मौका मिला तो वे बाहर चले गए और ज़्यादा कमाने के लिए। इससे उनका अपने देश के प्रति प्रेम कम नहीं हो गया। 1 अरब 92 करोड़ की मालकिन प्रियंका चोपड़ा के सबसे सस्ते कपड़े की कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। प्रियंका के वार्डरोब में सबसे सस्ते कपड़े की कीमत 30,000 रुपये है। प्रियंका चोपड़ा वर्तमान में अपने पति और अभिनेता निक जोन्स के साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया में बेवरली हिल्स में रह रही है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।